नस्ला का मसला गंभीर हो गया। टावर खाली करने की डेडलाइन खत्म। कई रिहायशी साजो सामान के साथ नकल मकानी कर गए। कई खानदान अब भी इमारत में रिहायश पजीर, कुर्सियां डालकर टावर के सामने बैठ गए। जिला इंतजामिया अदालती हुक्म के मुताबिक आज रात नस्ला टावर सील कर देगी, जिसके बाद आमदोरफ्त बंद हो जाएगी। नस्ला टावर गिराने के लिए जदीद डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए। देखा जाए भारत समेत दुनिया भर में इमारतें किस तरह गिराई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि नस्ला टावर गिराने के दौरान कोई नुकसान न हो, इमारत गिराने का अमल एक हफ्ते में मुकम्मल किया जाए, अखराजात मालिक से वसूल किए जाए। हुकूमत का करदम तंजीम से अस्करी तंजीम की तरह निमटने का फैसला। पंजाब भर में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात। फवाद चौधरी कहते हैं करदम TLP मजहबी जमात नहीं, अस्करियत पसंद ग्रुप है। रियासत की रिट को चैलेंज करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शेख रशीद कहते हैं फ्रांस का सफीर पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं, TLP का एजेंडा कुछ और है। TLP के साथ मुआयदा करने वाले वज़रा वज़ीर आज़म पर मलबा डालने के बजाय खुद जिम्मेदारी लें। फैसल वावड़ा की शेख रशीद पर तनकीद, ट्वीट में कहा ताकत किसी तनाज़े का हल नहीं, मसले का फौरी हल इमाम कावा को दावत दे के निकाला जा सकता है, तमाम मुसलमान ममालिक भी मिलकर इसका मुस्तकिल हल तलाश कर सकते हैं। इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने वाले मुजाहिरीन का उड़ाव। कई हुकूमत मार्च रोकने के लिए मुतहरिक, कई सड़कों पर कंटेनर्स रख दिए गए, खड्डे खोद दिए गए, पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम से 4 पुलिस अहलकार जाँ बहक मुतअद्दिद जख्मी हुए। आज ही पंजाब राव सरदार कहते हैं पंजाब के हर शहरी का तहफ्फुज़ हमारी जिम्मेदारी है, अमनो अमान हर सूरत कायम किया जाएगा। आर्मी चीफ का हेडक्वार्टर, सदरन कमांड मुल्तान का दौरा, फील्ड फॉर्मेशन तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तरबियती और इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चैलेंजेस के बावजूद तवज्जो फौज की सलाहियतों को बढ़ाने पर है। मशकें इन दस्तों की पेशावराना सलाहियतों में इजाफा करती हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू। मशकूक इंतखाबी फहरिस्तों पर इलेक्शन बेमानी है। धांधली की पैदावार की निगरानी में बल्दियाती इलेक्शन कैसे कबूल किए जा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ के खिलाफ मुजाहरा ठीक और इमरान खान के खिलाफ गलत है। जो मुजाहरीन पर जुल्म करे उसे हुकूमत करने का कोई हक नहीं, मामले को कानून के दायरे में हल किया जाए। PTI का वजीर आला के लिए अब्दुल कुदूस बिजंजू की हिमायत का ऐलान, तहफुजात का इजहार भी कर दिया। परवेज खतक कहते हैं BAP ने सियासी अमल में PTI को अहमियत नहीं दी, उम्मीद है बिजंजू PTI के तहफुजात का ख्याल करेंगे। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने कहा उम्मीद है बाप हमारे साथ माजी जैसा सलूक नहीं करेगी। सऊदी अरब से मिलने वाली रकम हमारे लिए बहुत मुफीद है। सऊदी अरब महाना 10 करोड़ डॉलर मालियत का तेल मौखर अदायगियों पर फराहम करेगा। जर्रे मुबादला के जखायर में बेहतरी के लिए 3 अरब डॉलर मिलेंगे। मुशीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF से मुआहदे के करीब पहुंच गए। हमाद अजहर बोले 6 माह में बुनियादी अशिया की कीमतें कम हो जाएंगी। और वर्ल्ड T20 में पैदर पे शिकस्त, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की सेमीफाइनल में रसाई मुश्किल हो गई। ग्रुप 1 के मैच में इंग्लैंड ने बंगाल टाइगर्स को 8 विकेटों से हरा दिया, जबकि ग्रुप 2 में नेम्बिया की शानदार कारकर्दगी स्कॉटलैंड को 4 विकेटों से अपसेट शिकस्त दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।